नमस्कार, मैं रागिनी शुक्ला आज यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ जिसका नाम है रेडियो वेव प्रोपेगेशन। रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट फॉल इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 30 किलोहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। ओके, एंड द रेडियो वेव्स दैट आर प्रोपेगेटेड थ्रू फ्री स्पेस फ्रॉम वन ट्रांसमीटर एंटीना टू द अनदर रिसीवर एंटीना। सो हाउ डू दीज रेडियो वेव्स गेट प्रोपेगेटेड इन द फ्री स्पेस and how they get affected by the medium in which they are propagating. So we are just discussing about this. There are three types of radio wave propagation: ground wave, sky wave and space wave propagation. Ground wave propagation occurs at 2 megahertz only. Mainly जो इसकी frequency है 2 megahertz पर है, लेकिन इसको हम low frequency waves और medium frequency waves पर ही बोलते हैं। ये जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं ये 30 किलोहर्ट्ज़ टू 300 किलोहर्ट्ज़ होती हैं, और जो मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़ तक होती हैं। ग्राउंड वेव्स आर द वेव्स दैट प्रोपेगेट अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, एट दिस लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स। मेनली ये लोकल ब्रॉडकास्टिंग रेडियो कम्युनिकेशन कवरेज के लिए यूज होता है, एंड हम कह सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन पर्पजेस के लिए यूज होता है। अब क्या होता है कि व्हेनेवर द ट्रांसमिटर एंड द रिसीवर एंटेनाज आर इन लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर, अ डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द टू एंटेनाज। व्हेनेवर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनकाउंटर्स एन इंटरफेस बिटवीन टू डिससिमिलर मीडिया, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज प्रोपिगेटेड अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम कहते हैं सर्फेस वेव प्रोपिगेशन। ऑल्सो व्हेनेवर द टू एंटेनाज आर इन लाइन ऑफ साइट, सो ड्यू टू सम electrical properties at the air ground interface, a part of the wave gets reflected on the ground. तो इसको हम क्या बोलते हैं कि एक reflected wave बनती है। So this amount of reflection depends upon the angle of incidence, polarization of the transmitted wave, some electrical properties of the ground wave like your dielectric constant, your earth conductivity, your frequency of the operating signal, इन factors पे amount of reflection depend करता है। So the total or we can say the resultant field strength, it becomes equal to the vector sum of the direct wave and the reflected wave. ठीक है, तो ये तो पार्ट था आपका ग्राउंड वेव का। दूसरा आता है आपका स्काई वेव प्रोपेगेशन, जिसको हम स्किप वेव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं या जिसको हम आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, और ये होता है आपका 2 to 30 मेगाहर्ट्ज पे। मेनली ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पर्पजेस के लिए यूज होता है। मतलब आप कह सकते हैं दैट इट मेनली अकर्स एट इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस। इसमें जो रेडियो वेव्स हैं दे डू नॉट फॉलो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो हम एक टर्म यूज करते हैं आइनोस्फेयर, दिस आइनोस्फेयर इज द अपर रीजन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर वेयर द रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइनोस्फेयर बैक टू द अर्थ सर्फेस। दिस आइनोस्फेयर इज द electrically charged part in the upper atmosphere of the earth where it is at an altitude of around 60 to 1000 km. ये 60 to 1000 km की height पे पाया जाता है। There are certain layers which are at different heights inside this anospheric layer. For example, D layer, E layer, F1 layer, F2 layer. जो D layer होती है ये 100 kHz पे काम करती है और इसकी जो height होती है 60 to 90 km होती है। दूसरी layer आती है E layer, जो कि 3 to 5 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है और इसकी जो हाइट होती है ये अराउंड 100 to 125 किलोमीटर पे आती है। तीसरी लेयर आती है एफ लेयर, जो कि डिवाइड हो जाती है F1 और F2 लेयर में। तो जो F1 लेयर है वो 5 to 7 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है और ये इसकी हाइट है 300 किलोमीटर, जबकि जो F2 है ये 400 किलोमीटर पे होती है और ये 7 to 12 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करती है। सो ये वेरियस हाइट्स है। डे टाइम में डी लेयर ऑपरेट करती है, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि स्काई वेव प्रोपेगेशन जो होता है इट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में केवल ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता है। तो स्काई वेव प्रोपेगेशन इज नॉट पॉसिबल एट डे टाइम बिकॉज ऑफ द एटेन्यूएशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स कॉज्ड बाय द डी लेयर इन द अपर रीजन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। जो डी लेयर होता है इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड द एटेन्यूएशन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, जिसकी वजह से क्या होता है दे डू नॉट फॉलो द अर्थ कर्वेचर। और जो आइनोस्फेयर में फॉर रेडियो वेव्स लेस देन 40 मेगाहर्ट्ज द वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइनोस्फेयर बैक टू द अर्थ सर्फेस। अब हम ये बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है,
तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन मैग्नीट्यूड अबव विच द रेडियो वेव्स गेट पेनिट्रेटेड थ्रू द स्पेस एंड बिलो विच द रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फीयर बैक टू द अर्थ सर्फेस. फिर इसमें एक टर्म आती है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी FMUF, विच इज ऑल्सो द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, अब इसमें आप ये देखिए जो FMUF इज इक्वल टू FC sec phi होता है, ये phi जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. अब इसमें एक चीज और है जो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो ये आयनोस्फेयर है मेनली क्या है कि इट इज द अपर रीजन और द हायर रीजन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर वेयर देर इज अ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स फ्रॉम द आयनोस्फेयर बैक टू द अर्थ सर्फेस. तो रात में केवल एफ लेयर ऑपरेट करती है और दिन में डी लेयर ऑपरेट करती है. ठीक है, तो आप इसको यही कह सकते हैं कि जो आयनोस्फेरिक रीजन है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आयनोस्फेयर देयर अकर्स द एब्जॉर्प्शन एंड द एटेन्यूएशन ऑफ द रेडियो वेव्स बाय द डी लेयर प्रेजेंट इन द आयनोस्फेयर एंड हेंस द रिफ्लेक्शन इज मेड पॉसिबल. ओके, अब हम इसमें ये भी बात करते हैं कि इसमें एक डक्ट होता है जिसको हम सुपर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. जो डक्ट होता है इट इज द लेयर लेयर्स वन आफ्टर द अनदर वेयर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन वेयर द वेव्स आर कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सर्फेस. दो लेयर्स के बीच में जो लेयर्स ऑफ एयर बनती हैं उसमें कंटिन्यूसली वेव्स बेंट हो रही है ना, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड ये सब हो रही है. तो ये जो आपका डक्ट बनता है मेनली इट एक्ट्स एज अ डायलेक्ट्रिक वेव गाइड, इट एक्ट्स एज अ एटमॉस्फेरिक डायलेक्ट्रिक वेव गाइड दैट मेनली शोज दैट लिमिट्स द वेव फ्रंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव में. तो मेनली हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ये आयनोस्फेयर है इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सर्फेस. तो ये कब रिफ्लेक्शन बंद कर देगा, फॉर रेडियो वेव्स जैसे अबव 30 मेगाहर्ट्ज के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, पेनिट्रेशन होता है. ठीक है, अब आप इसमें ये भी देखिए कि क्योंकि मैंने आपको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बताई, जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द अपर रीजन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर जो कि आयनोस्फेयर है. इस स्काई वेव को हम स्किप वेव प्रोपिगेशन भी बोलते हैं और हम इसीलिए इसको आयनोस्फेरिक प्रोपिगेशन भी बोलते हैं और ये 2 to 30 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है और इसमें जो है इट डज नॉट फॉलो द अर्थ कर्वेचर. जबकि ग्राउंड वेव में क्या था कि बियॉन्ड रेडियो होराइजन ये जो आपका डायरेक्ट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव था दे गेट इजिली ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक हो जाती हैं एंड जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो वहां पे फिर क्या होता है कि डिफ्रेक्टेड सरफेस वेव्स प्रोपेगेट करते हैं. डिफ्रेक्शन पता ही होगा आपको, इट इज द बेंडिंग ऑफ द रेडियो वेव अराउंड द एज ऑफ द ऑब्स्टिकल और अराउंड एनी ओपनिंग ऑफ द सर्फेस. तो मेनली ये कुछ आपने स्काई वेव में पढ़ा. ठीक है, और डक्ट जो बनता है क्योंकि डक्ट मेनली टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से बनता है और दूसरा डिफरिंग इलेक्ट्रॉन डेंस डिफरेंट जो आपके इंडिसेस हैं उसकी वजह से बनता है. तो हम ये कहेंगे कि डज नॉट फॉलो द अर्थ कर्वेचर. ठीक है, और उसके बाद आता है आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन जिसको हम लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन बोलते हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपेगेशन भी बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटेना बोथ आर माउंटेड इन सच अ वे दैट बोथ कैन सी द फेस ऑफ ईच अदर विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स. तो यहाँ पे क्या है कि दे आर मेड टू प्रोपेगेट बियॉन्ड हॉरिजन, बियॉन्ड ऑप्टिकल हॉरिजन ये जाता है. तो यहाँ पे जो वेव प्रोपेगेशन है अबव 30 मेगाहर्ट्ज होता है, मतलब VHF होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे प्रोपेगेशन होता है. आपने पढ़ा होगा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स 3 to 30 मेगाहर्ट्ज होता है और जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होता है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज होता है. तो जो आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन है मेनली इसको लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन बोलते हैं और जो भी आपका सेटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी आपका माइक्रोवेव लिंक हो रहा है या जो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है मेनली ये इसी स्पेस वेव प्रोपेगेशन की वजह से होता है. यहाँ पे जो रेडियो वेव्स होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू फॉलो द कर्वेचर ऑफ अर्थ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है. और ट्रोपोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच एक्सटेंड्स एट अ हाइट फ्रॉम अबाउट 0 किलोमीटर टू द 16 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस. इसको हम ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपेगेशन बोलते हैं और ये बियॉन्ड रेडियो ऑप्टिकल हॉरिजन ट्रेवल करता है. हॉरिजन जानते हैं ना, क्षितिज जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आपकी धरा जो पृथ्वी है और जो आसमान एक पॉइंट पे आके मिलते हैं. अब इसमें आप देखें कि ये आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन था जिसको हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बोलते हैं. इसमें क्या नहीं हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अवॉइड किया जा रहा है, यहाँ नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए हम इसको
इजिली कर भी सकते हैं. और यहाँ पे हम रिपीटर्स लगाते हैं अराउंड 50 किलोमीटर्स अपार्ट. जो रिपीटर्स होते हैं विच इज यूज टू रीजनरेट द सिग्नल वेन एवर इट कम्स डिस्टॉर्टेड इन इट्स मिडवे. तो यही मुझे आपको कुछ पॉइंट्स बताने थे कि जो आपका स्पेस वेव है ये VHF पे प्रोपिगेट करता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपिगेशन होता है, और इसमें ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव लिंक में काम आता है, इसमें बियॉन्ड ऑप्टिकल होराइजन यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, और इसमें ना तो रेडियो वेव्स कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होती ना रिफ्लेक्ट होती बल्कि ये पेनिट्रेट होती है. तो मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा. तो आगे और डिस्कस करेंगे. थैंक यू.